नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आपका अपना चैनल आयुर्वेदिक हर्ब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, शरीर में लीवर का क्या योगदान है और लीवर कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर के बारे में। नंबर एक, यह हमारे पेट के दाहिने ओर स्थित होता है। इसका वजन 2.5 से लेकर के 3 पाउंड तक होता है, या तो कहें 1.3 से लेकर के 1.6 केजी तक होता है। नंबर दो, यह वसा को समाप्त करता है। नंबर तीन, बॉडी से विषैले रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है, साथ ही मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। चौथा, इसका काम है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है, प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करता है, साथ ही प्रोटीन का उत्पादन भी करता है। पांचवा, साथ ही इसका मुख्य कार्य यह भी है कि तांबा और लोहे को संचित करता है। छठा, यह खून में थक्का बनने में मदद करता है और फाइब्रिनोजीन नाम प्रोटीन का निर्माण करता है। सातवां, इसके द्वारा रेड ब्लड सेल को नष्ट किया जाता है। यह हमारे लीवर में समस्या होने से बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे फैटी लीवर, सेकंड लीवर में इन्फेक्शन, थर्ड हेपेटाइटिस आदि प्रमुख रोगों में से यह सब एक हैं। तो आपको आज हम बताते हैं फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर, अगर किसी का फैटी लीवर हो जाता है तो बसा का बढ़ना स्टार्ट। फैटी लीवर में इलाज से लाभ तो होता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। नंबर तीन, डॉक्टर की जांच कराना जरूरी होता है। नंबर चार, यह सारी जिंदगी भी साथ में रह सकता है। फैटी लीवर का केस इंडिया के अंदर लगभग 1 से 1.5 करोड़ के मामले पर ईयर आते। दूसरी, हम बात करेंगे लीवर में इन्फेक्शन के बारे में। इसमें पेट में हमेशा दर्द रहता है, मुंह से बदबू आती है, खाना सही से नहीं पचता, मूत्र का रंग बदलता है पीला आदि। यह इलाज से एकदम ठीक हो जाता है। तीसरा है हेपेटाइटिस। यह दो प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसमें भी लीवर में सूजन होता है और इसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसका भी आपको जाँच में पता चलता है। इससे भी भूख नहीं लगती है और बहुत सारे इसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार डकार आना, पेट का फूलना इत्यादि आदि। यह भी आपको, इसका भी टीका होता है और दवा दोनों उपलब्ध है मार्केट में। तो दोस्तों, यह आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अगले वीडियो में हम यह तीनों का उपचार बताएंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।